सर 1 सेकेंड सर। आप लोगों का होगा तो बोल दो। सर 1 सेकेंड सर। सर ओके सर थैंक यू सर। भास्कर रविकुमार मार्गम नागराज थैंक यू मोहम्मद रियाज थैंक यू सबका आदाब। आज हमारा फलकनामा पुलिस कल 4 लोग को पकड़ा जो मर्डर अटेम्प्ट करने के लिए मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। इनके साथ साथ 3 सिकल्स और 3 चाकू बरामद किया और 2 टू व्हीलर्स 2 सेलफोन भी किया। जो पकड़ा गया उनका नाम है मीर अशफाक अली, मोहम्मद शुबान खान अलिया शुबानी, मोहम्मद जमील खान अलिया काजा खान। एक्चुअली इसका मोटिव जो है, जो आमिर है, जो मेन अक्यूज है, मीर अशफाक अली अलिया आमिर खान है, उसका और उसका रिलेटिव जो है नाजिम ईशान के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद ये आमिर जो है झगड़ा में आमिर ने नाजिम को मारा तो आमिर में ये गुस्सा या जो भी एंग्री पैदा कर लिया, क्योंकि तो नाजिम बाहर जाके इसके बदनामी कर रहा था और साथ साथ आमिर का ये भी शक था कि नाजिम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके बीवी के ऊपर। तो उसके लिए उन दोस्तों से मिलके फरहान सुबान खान जमील खान इमरान छोटा इरफान और एक बॉय जूनल जो 18 साल से छोटा बच्चा के साथ एक प्लान किया कि कल जैतून होटल के पास जो फलकनामा में जैतून होटल के पास उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश प्लानिंग किया था। बट जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, हमारे क्राइम टीम के पास इंफॉर्मेशन आया कि वैसे प्लानिंग चल रहा है, वो अटेम्प्ट होने के पहले हम लोग उन लोग को पकड़ लिया और साथ साथ उनसे ये 3 सिकल्स और 3 चाकुएँ बरामद किया और उनके ऊपर क्राइम नंबर 172/2023 अंडर सेक्शन 20B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन 149 रेड विथ 511 और आर्म्स एक्ट का 25(1)(a) आर्म्स एक्ट का सेक्शन भी लगा है और आज अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये सारी ऑपरेशन जो है शेख जहांगीर एडिशनल DCP और इंचार्ज फलकनामा डिवीजन का ACP उनके निगरानी में और इंस्पेक्टर फलकनामा राघवेंद्र और SIs नागराजू रवि कुमार और क्राइम कॉन्स्टेबल्स मोहम्मद रियाजुद्दीन और ES विनय कुमार और शिवा ने ऑपरेशन सक्सेस करवाया। इन सब सभी को CP साहब की जानिब से सभी को बधाई बात देता हूँ और सभी को सबको रिवॉर्ड का भी प्रपोजल किया गया ताकि इतना हार्डवर्क करके एक क्राइम को रोका उनको पुलिस डिपार्टमेंट जरूर अप्रिसिएशन देंगे और सभी को इस मौके से सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है वैसे कुछ होने वाला है ज़रूर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि एक क्राइम को प्रिवेंट करने पे आप भी पार्टनर हो जाएंगे। थैंक यू जय। नहीं 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 वो एक्चुअली आप देख रहे हैं वो इंटरनल फैमिली इशू के लेके वो हो रहा था।
जैसे इन्फॉर्मेशन आया हम लोग वहाँ पे जैतून होटल के पास वेट करके, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन था कि वो आ रहे हैं, अब रेड हैंडेड पकड़ा गया उनके साथ, वेपन के साथ पकड़ा गया, ये सारी उन्हीं से रिकवरी हुआ, बरामद किए होंगे उन्हीं के हाथ, उन्हीं से रिकवरी किया था सारी। तो ब्लैकमेलिंग जो कर रहे थे वो नहीं, वो उनका शक था,